भारतवर्ष के तमिलनाडु राज्य में एक छात्रा के द्वारा उठाए गए कदम के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दमोह जिला मुख्यालय पर पुतला दहन किया गया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर के मांगों के पूरा होने तक आंदोलन की चेतावनी दी गई। बड़ी संख्या में अंबेडकर चौराहे पर एकत्रित हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा नारेबाजी की गई, पुतला दहन किया गया, साथ ही छात्रा को न्याय दिलाए जाने की मांग की गई। क्या है मामला, आपको सुनाते हैं शांतनु भारत की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तमिलनाडु में हमारी बहन छात्रा लवण्या की आत्महत्या हुई है, आत्महत्या की गई, जिसके धर्मांतरण करने के विरोध में ईसाई मिशनरियों द्वारा कहा गया कि आप धर्म परिवर्तन करो। उसने परंतु धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। परंतु एक महीने के होने को जा रहा है, अभी तक तमिलनाडु सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे उक्त विषय पर संज्ञान लिया जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद पूरे देश में धरना प्रदर्शन ऐसे सब यात्रा जैसे प्रदर्शन करेगी। परिषद के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया लगभग एक महीने पहले तमिलनाडु में एक कक्षा बारहवीं की छात्र लावण्या, जो कि मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी, और उससे बोला गया कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, मगर उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली, जिसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दमोह में और सभी जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक लावण्या के हत्यारों को उक्त सजा नहीं होगी, जब तक विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता अपनी जान दे देगा, मगर लावण्या के लिए इंसाफ लड़ा के रहेगा।